बच्चे आपके सामने एक ऐसी कला पेश करने वाले हैं जो शायद ही आपने कहीं ना कहीं देखी हो, बट ये बहुत मेहनत करके आए हैं आपके बीच, एंड मैं चाहता हूं एक जोरदार तालियां सब एक एक बंदा इनके लिए बजाए। आवाज आनी चाहिए, दूसरे मार्केट तक पहुंचनी चाहिए। शुक्रिया। आप इसको यूज करते हैं स्पेशली जो है हमारा गर्ल्स का थीम इसलिए रखा है, जैसे आप जानते हैं क्या हो रहा है आजकल, बहुत बेसिक सी चीज है बट इंसान को समझ नहीं आ रही है, बहुत छोटी सी चीज है बट इंसान को समझ नहीं आ रही है, गर्ल्स का रेप क्यों हो रहा है, क्या वजह है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्या गर्ल्स इंसान नहीं है, ऐसा क्यों हो रहा है कि इतने धरिंदे लोग सुनने में आता है कि 5-6 लोग एक छोटी सी लड़की का रेप करते हैं, ऐसा क्यों होता है। पहले हम स्टार्ट करें, कुछ लाइंस जो होंगी नारायण सर अपने शब्दों से बोलेंगे, आप बताएंगे आज हम क्या करने आ रहे हैं, क्यों करने आए। अकेडमी के आप देख रहे हैं बच्चे यहाँ पे खड़े हैं जिनमें लड़कियां भी हैं और बॉयज भी हैं। आज आप लोग देख रहे हो कई किस्म के यहाँ पे बिलो 14 ईयर्स से लेके बिलो 16 एंड 16 ईयर्स एंड अबव भी कुछ बच्चे हैं, जिनमें कुछ सीनियर हमारी लड़कियां हैं, नेशनल लेवल्स रिप्रेजेंट कर चुकी हैं, स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, और कुछ हमारे इनमें से सीनियर ब्लैक बेल्ट्स कुछ लड़कियां हैं जो इंटरनेशनल लेवल भी रिप्रेजेंट कर चुकी हैं, और इन्हीं लड़कियों के थ्रू अपना ये जो हमारा जो मार्शल आर्ट है, ये जो हम अभी आज हम आप लोगों को दिखा रहे हैं, मेन हमारा मकसद यही है। आज जो उधमपुर वासी है, स्टेट लेवल है, डिस्ट्रिक्ट लेवल है, या कोई भी कस्बे के लोग हैं, हमारा आप लोगों को सभी को अपने एकेडमी के थ्रू एक मार्शल आर्ट के थ्रू एक मैसेज देना चाहते हैं। डार्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस, फिजिकल फिटनेस एंड स्पोर्ट्स तो है ही है, लेकिन हर एक बच्ची, हर एक घर से हर एक बच्ची मार्शल आर्ट जो है आजकल के टाइम में सीखना बहुत जरूरी है। तो आप लोगों का ज़्यादा कीमती टाइम ना लेते हुए मैं अपनी कार्रवाई आगे स्टार्ट करूँगा। धन्यवाद। एक सीन पे मिलने चाहिए बच्चों के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।
talking.